अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अन्ना हजारे जी की एक मूवमेंट चली थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस मूवमेंट में काफ़ी लोग उसको सपोर्ट करने लगे थे, और अन्ना हजारे जी के आगे पीछे जो लोग थे ज़्यादातर वो अपने लिए आगे बढ़ने के चांसेस देख रहे थे। हमारे पाकिस्तान में उस मूवमेंट का बड़ा जिक्र, आम आदमी उसके बारे में बातें कर रहा था कि देखो इंकलाब आ रहा है भारत में, ये वो। लेकिन हुआ यह कि अन्ना हजारे जी तो वो अपने आगे पीछे के लोगों को मौका दे के खुद बैठ गए, और उसमें एक इंतहाई गलत कैरेक्टर ने फ़ायदा खूब उठाया और भ्रष्टाचार के नारे लगाए उसके खिलाफ, और फिर एक सरकार भी बन गई इसकी। दिल्ली के लोगों को फ्रीबीज, ये मुफ्त, ये मुफ्त, ये ले लो, ये ले लो, और आगे पीछे इसके सारे करप्ट लोग जमा हुए, कैरेक्टरलेस जमा हुए। और फिर दिल्ली में दूसरी बार भी सरकार बनाई फ्रीबीज के नाम पे, और पंजाब में भी बना ली उसी मोडस ऑपरेंडी के तौर पे, और फिर ये भारत में फैल गया ये मोडस ऑपरेंडी जो हमने कर्नाटका में अभी रिसेंटली देखा। अजीज दोस्तों, वो मुफ्त, हर चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री का भांडा तो फूट गया। ये आतिशी जी हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी और हर डिपार्टमेंट इनको दे दिया गया है। आउट स्पोकन पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बहुत अपने समझती हैं कि वो बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने इनको मैसेज किया था ट्विटर के मैसेंजर पे कि आपसे मुझे इंटरव्यू करना है, मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत ज़्यादा क्रिटिक हूँ, उनके खिलाफ मैं काफ़ी बोलता हूँ, लेकिन मुझे आपका बोलने का तरीका पसंद है, आप अगर चाहें तो मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसे सवाल करेगा जिसके हमारे पास जवाब होंगे नहीं। ये अकेले में बैठ के बात करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। इन्होंने अभी ये ऐलान किया है, आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। राजेश दोस्तों, इस पे मैं बोलूं इससे बेहतर है कि मैं एक भारत के एक सपूत हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने अभी रिसेंट फ्लड जो आया है दिल्ली में उसके हवाले से दिल्ली सरकार की चूलें हिला दी हैं और बिल्कुल उनकी पोलें खोल दी हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे अजीज़ मित्र हैं, मैं उनसे मिला भी हूं और उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ मुझसे मुलाकात की थी। तो अजीज़ दोस्तों, अश्विनी उपाध्याय जी ने इन्होंने ये वीडियो बनाई है, जरा इसको देखिएगा। तो अजीज दोस्तों, ये दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की पोले हैं जो मैं समझता हूँ कि इतना भारत के लोग समझदार हैं तो पता नहीं क्यों इस आदमी के झांसे में आ गए, जिसकी परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये 6-7 साल से सरकारों के मज़े लूट रहा है। किस सिचुएशन में ये आया था और किस सिचुएशन में आज ये है, ये सबको पता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को भारत की पॉलिटिक्स से निकाल बाहर कर देना चाहिए, और भारत की पॉलिटिक्स से किसी को भी निकालने की जो पावर है वो भारत के आम वोटर्स के पास है। तो होपफुली वी विल नॉट सी एनी मोर ऑफ अरविंद केजरीवाल इन फ्यूचर। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच For all your support, kindly keep supporting. इस समय दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। यमुना जी का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरी दिल्ली बंद पड़ी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है दिल्ली में,
और हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है नाली बनाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, लेकिन वो कागजों पे ही होता है। कागजों पे उस पर ड्राइंग बनती है, कागजों पे ही टेंडर होता है, नक्शा पास होता है, काम होता है, इंस्पेक्शन होता है और बिल पेमेंट हो जाता है। क्योंकि जितना पैसा खर्च होता है नाली बनाने में, सड़क बनाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, नालियों की सफाई करने में, इसका 50% नीचे से ऊपर तक कमीशन चला जाता है। सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, एक्सीएन होते 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 उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, एमडी और फिर उस डिपार्टमेंट के मंत्री, पूरा का पूरा जितना बजट उसका 50% गायब। दिल्ली के टैक्स पेयर परेशान है, व्यापार करने वाले परेशान हैं, मिडिल क्लास परेशान है, एलिट क्लास परेशान है, अपर क्लास परेशान है, जो टैक्स देते हैं वो भी परेशान है, जो टैक्स देते नहीं परेशान है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, कभी पटना में बाढ़ आती है, कभी लखनऊ में बाढ़ आती है, कभी प्रयाग में बाढ़ आती है, कभी चेन्नई में बाढ़ आती है, मुंबई में बाढ़ आती है, हर साल बरसात के बाद भ्रष्टाचार की पोल खुलती है, इसके बावजूद हम लोग शांत रहते। और ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो इस देश में वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। और वन नेशन वन टैक्स से केवल भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, साथ साथ इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, व्यापारियों का शोषण खत्म हो जाएगा, जो व्यापारियों को चोर समझा जाता है वो खत्म हो जाएगा। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल रहा है ना इतने दिनों से, इनकम टैक्स की चोरी रुकी क्या? पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है ना, चोरी रुकी क्या? अपहरण रुका क्या? CID भी है, LIU भी है, ED भी है, CBI भी है, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ? GST आजकल नया आ गया है, GST का पूरा एक डिपार्टमेंट है, GST की चोरी रुक रही है क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देश की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का एक ही तरीका है, वन नेशन वन टैक्स। न CBI की जरूरत है, न ED की जरूरत है, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, न GST काउंसिल की जरूरत है, न GST डिपार्टमेंट की जरूरत, कोई जरूरत ही नहीं है। और याद करिए, दुनिया का 40% GDP भारत का था चाणक्य के टाइम में, तब इतने सारे टैक्स नहीं थे, इनकम टैक्स, GST, VAT, TDS, दुनिया भर के टैक्स नहीं थे, सिंपल एक टैक्स था चंद्रगुप्त के टाइम में, और भारत की GDP 38 से 40% थी। आज हम 10% GDP के लिए पूरा दम लगा दिए, फिर भी 10% GDP नहीं अचीव कर पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने जो व्यवस्था बनाई है वो चोरी करने वाली बनाई है। व्यवस्था जो हमने बनाई है ईमानदार को चोर बनाने वाली बनाई है। व्यवस्था ऐसी बनाई है जो केवल और केवल कालाधन जनरेट कर रहा है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं देश में ईमानदारी से सब लोग आराम से रहें, न थाने पे कोई दलाली हो, न तहसील में दलाली हो, न जज पैसा लेके घूस दे के जो पूरा काम कर रहे हैं, ये जुडिशरी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, थाने की दलाली बंद हो जाए, तहसील की कमीशन खोरी बंद हो जाए, ये मंत्री से संतरी तक पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है पैसा खाने वाला, अगर ये खत्म हो जाए, ये जो भारत का बजट का 20 से 30% जो हर साल भ्रष्टाचार में चला जाता है, 75 लाख करोड़ है केंद्र और राज्यों का टोटल बजट, 75 लाख करोड़ है, 75 लाख करोड़ का कम से कम 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल घूसखोरी कमीशनखोरी में चला जाता है, कहाँ से विकास होगा? नहीं हो सकता। और जितना इनकम टैक्स आता है उसका 20% से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाह पर चला जाता है, उनके वेतन पर चला जाता है, उनके पेंशन पर चला जाता है। जितना GST कलेक्शन होता है उससे लगभग 20% GST कलेक्शन का 20% जो GST डिपार्टमेंट के इम्प्लाई हैं चपरासी से लेके ऊपर तक, उनके वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पेंशन पे चला जाता है। इनकम टैक्स जितना आता है उसका 20% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मंत्री से संतरी तक वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे चला जाता है। पुलिस ED जितना छापा मार के पैसा इकट्ठा करती है वो पूरा का पूरा ED के चपरासी से लेके ऊपर तक डायरेक्टर तक वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे चला जाता है। CBI जितना छापा ओपा मार के 10-20-50 करोड़ इकट्ठा करती है वो सारा का सारा CBI के जो इम्प्लाईज हैं उनके वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे चला जाता है। और इसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। यदि आप वास्तव में भारत से प्यार करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, यदि आप वास्तव में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं,
तो प्लीज़ वन नेशन वन टैक्स की मांग करिए। व्यापार भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपहरण भी कम होगा, फिरौती भी कम होगी, कालाधन भी कम होगा, हवाला भी कम होगा, घूसखोरी भी खत्म होगी, कमीशनखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म हो जाएगी, मानव तस्करी भी खत्म हो जाएगी, सोना तस्करी भी खत्म हो जाएगी, अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा, कट्टरवाद बहुत कम हो जाएगा, मजहबी उन्माद बहुत कम हो जाएगा, पूर्वोत्तर जो जल रहा है ऐसा कभी नहीं जलेगा, धर्मांतरण बहुत कम हो जाएगा, घुसपैठ खत्म हो जाएगा, सब में पैसा लगता है, सब में ब्लैक मनी लगता है, सब पैसे के लिए होता है। करना क्या पड़ेगा, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, और 100 रुपये से बड़ी नोट की ज़रूरत ही नहीं है। 225 करोड़ भारत में खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार हो चुके हैं, सब हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है, और जेब में 100 रुपये रख लीजिए, आराम से आपका दिन भर का नॉर्मल खर्चा हो जाता है। 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, जो 20% 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, और वैसे तो बैंक से सारे परिवार जुड़ चुके हैं। 230 करोड़ खाते खुल चुके हैं, 48 करोड़ जनधन खाते, इसका मतलब दलित आदिवासी भी बैंक से जुड़ चुके हैं। तो 100 रुपये से बंद करने की मांग करिए, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने की मांग करिए। जिस सामान की MRP 4999 तक हो या 5000 तक हो वो कैश में खरीद सकते हैं, जो 5000 से ज़्यादा हो वहाँ आपको बिल्कुल कैश अलाउ नहीं होना चाहिए, ATM, पेटीएम, भीम होना चाहिए। ऐसे बैंक से पैसा निकालने की एक लिमिट सेट हो कि महीने में आप मैक्सिमम जितनी आपकी इनकम है उसका आप 20% निकाल सकते हैं, बाकी 80% आपको बैंक के थ्रू करना है, ये आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। आपको संपत्ति को आधार से लिंक करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। ये जो काले कुबेर है ना, ये ईमानदारी से बोलते नहीं हैं, इतने पावरफुल हैं, सफ़ेद पोष नेता नौकरशाह, इनको पुलिस डंडे मारती नहीं है, इनका सब आपको याद होगा ना, गमले में गोभी उगाने वाले आज आराम से घूम रहे हैं, 186,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास हुआ न फांसी हुई, 176,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास न फांसी, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास न फांसी, और होगा भी नहीं। वर्तमान व्यवस्था को ख़त्म किए बिना, वन नेशन वन टैक्स लागू किए बिना भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। तो करना यही पड़ेगा, सारे टैक्स खत्म हो जाएं, इनकम टैक्स खत्म, GST खत्म, VAT खत्म, TDS खत्म, सारे टैक्स खत्म, बस बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, यानी जब जब आदमी ट्रांजेक्शन करे ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो 1% वो एक्स्ट्रा दे दे। अगर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करे 101 दे दे, 1000 का ट्रांजेक्शन करे 1010 दे दे, 1,00,000 का ट्रांजेक्शन करे 1,01,000 दे दे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है।